चलिए, इंडियन होटल्स एलकेपी सिक्योरिटीज के रडार पर है, और साथ साथ रिलायंस इंफ्रा, ये एक और स्टॉक जो एलकेपी सिक्योरिटीज एडवाइस कर रहे हैं। फिनोलेक्स केबल्स, कल के सत्र में आपको बताया गया था कि ये स्टॉक एक्टिव होगा मार्केट पे, कल दमदार रिटर्न्स दिए। कल मार्केट लेटर हाफ में जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, फिनोलेक्स केबल आउट परफॉर्म कर रहा था, और अब देखिए आज 3.5% के आसपास के रिटर्न्स ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। कुछ ऐसी पोटेंशियल स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सुमित आज मेरे साथ जुड़े हैं नाउसिस रिसर्च टीम से। सुमित, बताएं ब्रोकिंग हाउस रडार पर पहला स्टॉक आज कौन सा है? शुक्रिया रजत। जो पहला शेयर चुना गया है वो फार्मा स्पेस से है, ग्रैन्यूल्स इंडिया को चुना गया है। कंपनी के अगर नंबर्स को आप उठाकर देखें पिछले क्वार्टर के, तो मुनाफा, ऑपरेटिंग फंड में मुनाफा जो है वो दोगुना होता हुआ दिखाई पड़ा। इंटरेस्ट कॉस्ट में सब्सटेंशियल कमी, करीब 30% के आसपास की कमी कंपनी ने पिछले एक साल के दौरान की है, और इसी वजह से जो कंपनी का मुनाफा कुछ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। 47% के आसपास बॉटम लाइन भी बढ़ते दिखाई पड़ी, और सबसे अहम चीज़ की कंपनी ने रिसेंटली एक करार किया है क्रैम्स कारोबार को लेकर। हाई मार्जिन बिजनेस होता है क्रैम्स कारोबार, ओमनीकेम के साथ करार किया है, वो भी आने वाले समय में पैन आउट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपनी का मानना है कि जैसे जैसे क्रैम्स कारोबार की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बॉटम लाइन के ऊपर भी वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ेगी। लास्ट ईयर ये कारोबार शुरू हुआ तो इसका इंपैक्ट इस साल से आना शुरू होगा। FY18 के लिए अनुमान TPS करीब 9.5 रुपए के आसपास, 14 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। केआर चौकसी की एक रीसेंट रिपोर्ट को, जो नंबर्स के बाद रिपोर्ट आई है, उसको रिफर किया गया, करीब 160 रुपए के टारगेट्स वो देख रहे हैं। चले, तो ग्रैन्यूल्स पहला स्टॉक जो हमने रडार पर रखे 160 के टारगेट के लिए, लेकिन कुणाल जी टेक्निकल टर्म्स पे अगर बात करें तो क्या मौजूदा स्तरों पर खरीदारी बनती है या फिर किसी डिप का वेट करेंगे आप ग्रैन्यूल्स पे? आई थिंक काफी अच्छा चार्ट है, रादर देन वेटिंग ऑन डिप्स, आई थिंक बिकॉज़ ये स्टॉक स्लो और मार्जिनल अप ट्रेंड पे जा रहा है, ट्रेजेक्टरी कभी भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तो आई थिंक 140 का लेवल से जो करंट प्राइस है आई थिंक वहां से बाइंग की जा सकती है स्टॉक में। आई वुड ऑल्सो अग्री 160 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टारगेट लग रहा है स्टॉक में। राइट, सो मैं दूसरा स्टॉक बताएं, ग्रैन्यूल्स दिन के उच्चतम स्तर पे आधे फीसदी के रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं। रजत, जो दूसरा शेयर चुना गया है वो लॉजिस्टिक स्पेस से, रादर ऑयल लॉजिस्टिक्स से, एजिस लॉजिस्टिक्स को चुना गया है। तेल कैरियर के कामकाज में तो है ही कंपनी, लेकिन पिछले क्वार्टर के नंबर देखें तो ऑपरेटिंग फ्रंट पर करीब मुनाफा 30% YOY बेसिस पर बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी करीब 50% के आसपास एक स्पाइक दिखा चुका है YOY बेसिस पर। इंटरेस्ट कॉस्ट को कंपनी सब्सटेंशियली रिड्यूस कर रही है, और ये रादर पिछले कुछ समय से लगातार रिड्यूस करते हुए दिखाई पड़ रही है। जिस तरह का सिनेरियो बना है, ऑयल के प्राइसेस में दोबारा एक स्पर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है, तो वो कंपनी जो कि ऑलरेडी काफी गिरावट दिखा चुकी है इस कारोबार की वजह से, वो अब दोबारा कुछ तेजी पकड़ सकती है। FY18 के लिए अनुमानित TPS करीब 6.5 रुपए के आसपास की, और 18 के मल्टीपल शेयर कामकाज कर रहा है। एक आनंद राठी की लेटेस्ट रिपोर्ट को रिफर किया गया है, हालांकि टारगेट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन 135 रुपए के टारगेट्स वो देख रहे हैं। चलिए, एजेस लगातार नए लेवल्स छू रहे हैं, और ये जो चार्ट है ये जोरदार स्ट्रक्चर इस साल के उच्चतम स्तर पे। कुणाल जी, आपके कमेंट्स एजेस लॉजिस्टिक्स पे, अब अपसाइड पोटेंशियल कितना है, कहां तक का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक? जी, आई थिंक आई वुड कंप्लीटली एग्री, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिखा रहा है अपने शॉर्ट टर्म चार्ट्स और मीडियम टर्म चार्ट्स के अनुमान से। मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन, अगर हम सारे कॉम्बिनेशन भी देख ले तो बहुत ही बढ़िया फिट हो रहे हैं जिस लॉजिस्टिक्स के लिए। मेरे अनुमान से आई थिंक आने वाले कुछ एक क्वार्टर्स में स्टॉक शायद 180-200 का लेवल भी क्रॉस करे, इतनी अच्छी पोटेंशियल स्टॉक में, तो आई थिंक इट्स अ डेफिनेट बाय फ्रॉम आवर साइड एज वेल, वी वुड रिकमेंड फ्रॉम अ टाइम फ्रेम ऑफ लीस्ट 3-6 months। चलिए, एजेस पे नजर रखें और साथ साथ ग्रैन्यूल्स पे नजर रखें, दोनों स्टॉक्स पे पोटेंशियल है टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी, जो यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन एक सेक्टर जो पिछले कुछ महीनों से ह्यूजली अंडर परफॉर्म करके गया वो है ऑफशोर कंपनियां। कुणाल जी, कुछ टेक्निकल चार्ट्स पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि जब रिवर्सल आएगा या फिर आ चुका है तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है, ह्यूजली अंडर परफॉर्म करके गए हैं स्टॉक। अब सेलान, अबान ऑफशोर, जीओएल ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर जैसे स्टॉक्स टेक्निकल चार्ट्स पे कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? जी, आई थिंक काफी सेटअप काफी अच्छा आ रहा है इनका, बिकॉज दे आर कमिंग आउट फ्रॉम बॉटम, जब हम बोलते हैं बॉटम राउंडिंग, बॉटम फॉर्मेशन होता है लॉन्गर टर्म चार्ट्स में, तो आई थिंक बहुत बढ़िया सेटअप होता है। RSI डाइवर्जेंस, काफी सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जब हम वो फैक्टर्स देखते हैं। अबान ऑफशोर, आई थिंक फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इज अ क्लासिक चार्ट, यूनिवर्सल छोटा चार्ट पैटर्न है, 225 के आसपास का प्रीवियस हाई था जो आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स पहले अबान ऑफशोर ने मारा था, तो पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग है मेरे अनुमान से। अगर वो लेवल क्रॉस कर दे तो इट्स वेरी पॉसिबल दैट द स्टॉक कैन एक्चुअली जंप 25-30% इन अ मैटर ऑफ जस्ट फ्यू वीक्स, तो बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है। अगर ब्रेकआउट के लिए वेट करें तो आई थिंक 225 के ऊपर इसको खरीदा जा सकता है। कुछ और स्टॉक्स जो बस कर रहे हैं मार्केट पे, उसमें दो स्टॉक्स देखिए, कोरोमंडल इंटरनेशनल और साथ ही साथ हिमाद्री केमिकल्स, दोनों में से बेहतर पिक कौन सी है? कोरोमंडल इस समय 6% ऊपर है, और साथ साथ हिमाद्री केमिकल्स पे आज जोरदार रिटर्न्स मिल रहे हैं सर। जी, आई थिंक कोरोमंडल का चार्ट स्ट्रक्चरली काफी बेटर लग रहा है, आई थिंक 6 months के आसपास स्टॉक अपने अपट्रेंड में है, 155 का जो बॉटम था वहां से ऑलमोस्ट मोर लेस 75-80% रिटर्न डिलीवर कर चुका है, बट चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। मेरे अनुमान से आई वुड प्रिफर कोरोमंडल, आई वुड लुक आउट फॉर 280 एज अ पोजिशन टारगेट ऑन द स्टॉक।